अब जो है हम लोग एज वाली प्रॉब्लम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पढ़े हुए थे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन एज के बारे में, इसमें हम लोग देखे थे कि अगर एगो हो तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और अगर फ्रॉम ना हो या आफ्टर हो तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो इस सब का टाइप का अगर प्रॉब्लम आए तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे वह चीज हम लोग यहाँ पे एक देखते हैं। एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं कि 7 ईयर एगो क्वेश्चन है कि 7 ईयर्स एगो एगो वरुण्स इज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति इज, ठीक है, फिर 3 years हैंस Hence, Swati's will be 2/5 of Varun's is, find their present is. तो present is उन लोगों का क्या होगा या हम लोग को बताना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 ईयर एगो यानी 7 साल पहले वरुण का जो एज था 5 times 5 गुना था। किसके 5 गुना था, तो स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। या फर्स्ट लाइन से यह पता चलेगा कि स्वाति का एज जो है कम है और वरुण का एज ज्यादा है। अब यहां पे है कि 3 ईयर हैंस, या याद रखिएगा आफ्टर फ्रॉम नाउ हैंस एड होगा यानी बाद, हैंस मतलब यहां पे बाद, ठीक है, 3 ईयर हैंस 3 साल बाद स्वातीज एज, स्वाति का जो एज होगा विल बी होगा क्या, कितना होगा जी, 2/5 ऑफ वरुण्स एज, वरुण के एज से 2/5 हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज, तो उन लोगों का फाइंड देयर प्रेजेंट, उन लोगों का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो मान लो कि प्रेजेंट एज जो है वह किसका, वरुण का मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वरुण वरुण इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है, तो स्वाति का एज क्या होगा, स्वाति का एज आपका क्या होगा। यह देखिए एक चीज बताइए कि 3 साल यहां पर से 3 साल बाद जो है स्वाति का जो एज है यानी कि प्रेजेंट एज से 3 साल बाद जो एज है, ठीक है, यह निकल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज ऑफ स्वाति, प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति, प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति, सो प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति जो होगा प्लस 3 ईयर क्या कि 3 साल बाद, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति प्लस 3 इयर्स प्लस क्या हो गया 3 इयर्स इक्वल्स टू आपका कितना, 2/5 ऑफ एक्स माइनस 3 3 साल बाद इसका भी एक्स प्लस 3 यही है ना, विल बी 2/5 ऑफ वरुण्स एज, 3 साल बाद जो वरुण का एज होगा 3 साल बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगा ना, प्रेजेंट एज एक्स है तो 3 साल बाद क्या होगा एक्स प्लस 3 हो जाएगा, उसका 2/5 जो है कौन, प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति प्लस 3 ईयर
तीन साल बाद का स्वाति का एज, ठीक है, या तीन साल जो है उधर हम लोग कर लेंगे। चलिए तीन साल करते हैं, तो प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति इक्वल टू कितना होगा, तो यहां देखिए कि टू फिफ्थ यानी एक्स ले लेते हैं 2x प्लस 2 3 टू इंटू थ्री सिक्स हो जाएगा, 6/5 माइनस आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 2x या 5 ले लेते हैं 2x प्लस 6 माइनस 15 यानी कि यह आपका हो गया 2x माइनस 9/5, यह हो गया परसेंटेज किसका, स्वाति का। अगेन बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है, 7 ईयर एगो वरुण का एज, ठीक है, यानी एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 प्रेजेंट एज कितना है देख लो, 2x माइनस 9/5 माइनस 7, 7 साल पहले इसका भी, 7 साल पहले इसका भी क्या कह रहा है, 5 times 5 गुना, 5 times स्वाति के एज में है यार, 5 गुना कर दिए, 5 गुना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ स्वाति एज, स्क्वायर ऑफ स्वाति एज या बराबर हो जाएगा किसके, एक्स माइनस 7 के। अब इस या एक इक्वेशन बन जाएगा, बनेगा ना जी, और यह कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व करते हो, यह देखिए क्या हो जाएगा, 5 × LCM लेंगे तो यह 5 2x - 9 - 35 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि यह x माइनस 7 × 5 × 2x - यह आपका कितना हो जाएगा, 44 का होल स्क्वायर अपॉन 25, यह 5 से कट गया तो 5 आराम से यह बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इजी वे में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर्मूला पुट लगा देंगे, फॉर्मूला पुट अप कर देंगे, ठीक है, हाँ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से भी कर लेंगे। जैसे यहां देखिए थोड़ा सा यह 5 इधर चला गया, तो 5 × x - 7 = 2x - 44 का होल स्क्वायर, यानी कि 5x - 35 = यह आपका कितना हो जाएगा, 2x × 2x का 4x² यह कितना हो जाएगा, यानी कि 4 × 4 = 16 यह x और माइनस 44 का स्क्वायर प्लस आपका 44 का स्क्वायर होगा कितना, 4 × 4 = 16 हो गया, 4 × 4 = 16 = 32 या 9 यानी कि 1936, ठीक है। तो यह इतना हो गया, इस सारे को इधर लेते आएंगे, इधर जीरो हो गया, दैट मीन्स यह हो गया जीरो, या 4x² - 176x प्लस 1936 माइनस 5x प्लस 35 यानी कि 4x² माइनस 181x और यह इसमें जुट जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस 1971 = क्या, जीरो। अब आराम से इसको फॉर्मूला आप जानते हो, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac / 2a, a आपका 4, b आपका -181, c आपका 1971, वैल्यू पुट अप करो, वहां से आपका x का वैल्यू इजी वे में आ जाएगा। जब अब जो है नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे स्पीड एंड टाइम का, स्पीड और स्पीड सॉरी डिस्टेंस टाइम स्पीड वही है, उसी का एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग जानते हो कि डिस्टेंस टाइम में जो फॉर्मूला होता है, एकमात्र फॉर्मूला जो यूज किया जाता है वह आपका डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू आपका क्या होता है, डिस्टेंस इंटू स्पीड। तो यही जो है हम लोग इसी पे बेस्ड ऑन एक एग्जांपल लेंगे। डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है।
अब देखिए कि नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे वह डिस्टेंस टाइम का। एक एग्जांपल लेते हैं कि यह सीबीएसई में पूछा हुआ एग्जांपल है। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर। अभी इन टाइम इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर from its usual speed. Find its speed. तो इसका स्पीड जो है हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग को फाइंड पहले क्या था स्टेप वन कि तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ प्लेन लेफ्ट, एक प्लान जो है लेफ्ट किया 30 मिनट लेटर, 30 मिनट बाद वह क्या किया, वह प्लान जो है उड़ा छोड़ा क्या कहां पे, देन द शेड्यूल टाइम, अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट बाद वह क्या उड़ान भरता है, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू रीच, और वह जो पहुंचता है इट्स डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन पे जो कि 1500 किलोमीटर जो है 1500 किलोमीटर जो है अवे है इन टाइम, और जो कि टाइम से वह पहुंच जाता है, हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड, इसका जो स्पीड जो है वह बढ़ा दिया जाता है कितना 250 किलोमीटर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, जितना यूजुअल स्पीड है उससे 250 किलोमीटर जो बराबर जो है वह क्या होता है, क्या करता है, वह बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो फाइंड इट्स स्पीड, इसका स्पीड फाइंड करना है कि यूजुअल स्पीड जो था उसका कितना था। तो हम लोग जो सेकंड स्टेप में क्या था कि हम लोग को सर्च करना था कि क्या फाइंड था, उस फाइंड को हम लोग लेटेस्ट कर लेते हैं। वह क्या है, जो भी वेरिएबल मान लेते हैं एक्स है, तो लिख कर लेते हैं लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल्स टू एक्स, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसका तो टाइम उसको कितना लगा, हाउ मच टाइम कितना लगा, तो टाइम उसको टेकन जो होता है, टाइम taken under usual speed कितना लगता है, तो 1500 into x इतने टाइम लगेगा, ठीक है। 1500 into x होगा 1500 upon x होगा, यह आपका कितना आवर, इतना आवर उसको यूजुअली यानी कि एक साधारण जो है वह यानी कि शेड्यूल टाइम से चलेगा और डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तो इतने टाइम उसको लगता है। अब आइए क्या कह रहा है
कि 30 मिनट बाद वह शेड्यूल टाइम से वह 30 मिनट बाद वह पहुंचा था, यानी 30 मिनट कम टाइम उसको लगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम कितना लगा, 1500 अपॉन एक्स माइनस हाफ, 30 मिनट का हाफ। यह टाइम इतना टाइम लगा, कब लगा, जब स्पीड 250 बढ़ा दिया गया, यानी कि 1500 अपॉन एक्स प्लस 250 इतने लगा है। यह आपका इधर और हाफ उधर, यानी कि 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 250 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका हाफ, इतना आया। यानी कि हम लोग 1500 देखो कॉमन सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 250 इक्वल्स टू हाफ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, यानी कि 1500 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 250 प्लस आपका कितना आएगा यहाँ पे, एक्स प्लस 250 माइनस एक्स इक्वल टू आपका कितना आया हाफ। यहाँ पे देखिए यह एक्स और यह एक्स आपका क्या हो गया कैंसिल, यह 250 है ठीक है, और यह 2 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह इधर चला जाएगा, यानी कि 1500 इंटू आपका 250 इंटू आपका 2 इक्वल टू आपका एक्स इंटू एक्स प्लस 250 ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखिए यह इसको सॉल्व आउट अगर हम लोग करते हैं वह कितना होगा, कितना होगा यह 500 हो जाएगा, 500 इंटू 15 यानी 75 40 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 75 40 इस पे इक्वल टू 0, यह एक इक्वेशन बन गया, यह आपका एक इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या कर लो सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे, ए हियर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 250, सी इक्वल टू माइनस 75 40 ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो फॉर्मूला निकालो एक्स का वैल्यू निकल गया, ये तो एक्स फाइंड करना था ठीक है, या फैक्टराइज मेथड से कर सकते हो, जैसे इजी लगे आप लोग को वैसे इसको क्या कर देना है सिर्फ सॉल्व कर देना है ठीक है। इस तरह से आपका डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, इसी तरह से यह सॉल्व होगा।